प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए एक कॉमन चीज़ संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें जो हम 6th क्लास में पढ़ते हैं या 7th में पढ़ते हैं या 8th में पढ़ते हैं, तब हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याओं से। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास बहुत सारी संख्याएं होती है जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन संख्याओं के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आती है हमारी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो मेनली ओरिजिनल संख्याएं होती हैं, जैसे जिन्हें हम 1 से शुरू करते हैं, 1 से लेकर हमारी अंत तक चलती हैं, जैसे या अनंत तक चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये चलती रहेंगी और इनका कोई अंत नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम इनफाइनाइट लगा सकते हैं कि ये अनंत तक चलती हैं। इसके आगे हमारी आती है दूसरे नंबर पर, हम ले सकते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। मैं फिलहाल एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो पूर्ण संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याओं में हमारी आ जाती है, इसमें नेचुरल जो नंबर है हमारे पास, इसमें 0 नहीं होता, और इसमें अगर हम 0 और लगा दें और साथ में पूरी की पूरी संख्या ऊपर वाली लिख दें, तो ये हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हमने यहाँ से उठाए और 0 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो 0 के साथ जो भी संख्या बन जाएंगी आगे तक चलती रहेंगी इनफाइनाइट तक, सारी संख्याएं ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसके आगे हम चलते हैं, हम ले सकते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक का मैं एग्जांपल दूंगा। पूर्णांक में बेसिकली हमारे 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम बीच में लिखते हैं 0 तो इधर प्लस की तरफ चलेंगे, हम सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो प्लस में लिखते चले जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखते चले जाएंगे। और अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं जो 0 से लेफ्ट साइड की संख्या है माइनस वाली, इनको हम लिख सकते हैं, इनको बोल सकते हैं हम ऋण पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। और जो हमारी 0 से सीधे हाथ की तरफ की संख्याएं हैं, जो प्लस की हैं, इनको हम बोल सकते हैं धन पूर्णांक, या हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये प्लस का साइन बना के वी लिखा हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस का साइन है वी लिखा हुआ है, इसका मतलब निगेटिव होता है। अच्छा, इसमें हमारी कुछ बच्चे कहेंगे सर 0 बचेगा, 0 को क्या करना है? तो 0 को मैं बता दे रहा हूँ, 0 हमारी एक ऐसी संख्या है जो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं 0 ना तो धन पूर्णांक और ना ही ऋण पूर्णांक
होती। ये हमारे पूर्णांक हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। आप जानते हैं जैसे कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। अगर हम सम संख्या के बारे में लिखें तो सम संख्याएं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। सम संख्याएं बेसिकली सब बच्चे जानते हैं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं या दो से पूरी पूरी कट जाएं। जैसे एक तो खुद अपने आप में दो है क्योंकि दो दो से कट जाती है, दो के बाद चार है, छः है, आठ है, दस है, बारह है, ये इस तरह से आगे तक संख्या चलती रहेंगी। यानी जो भी संख्याएं दो से कट जाएंगी उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। इसके विपरीत आती हैं हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो सम संख्याएं नहीं होती वो विषम संख्याएं होती हैं, और जो विषम संख्याएं नहीं होती वो सम संख्याएं होती हैं। यानी कि जो संख्या हमारी सम संख्याओं से बच जाती हैं वो संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे या ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कह सकते हैं। जैसे एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, इस तरह से हमारी चलती रहेंगी। तो ये संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। इसके साथ ही नेक्स्ट अब आते हैं हम रेशनल और इरेशनल, जिसे हम बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इससे पहले हम जा सकते हैं अभाज्य और भाज्य संख्याओं पर भी जा सकते हैं। तो पहले हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट या भाज्य संख्याएं, भाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए या पूर्णतः कट जाए। जो किसी भी संख्या से एक को छोड़कर जो बाकी बची संख्या से किसी से भी पूरी तरह कट जाए वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट करें तो हमने कहा एक को छोड़ दीजिए, दो को देखते हैं, दो किसे कटती है? क्या दो किसी से नहीं कटती है, दो केवल अपने आप से कटती है। तीन को देखेंगे, तीन किसे कटती है? तीन किसी से नहीं कटती है, तीन अपने आप से कटती है। फिर हम आते हैं चार पे, चार संख्या हमारी कट जाएगी। चार हमारी किससे कटती है? दो से कटती है। तो इसलिए सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या होगी वो चार होगी। चार के बाद हम पाँच पे जाएंगे, पाँच नहीं कटेगा किसी से। फिर छः पे जाएंगे, सिर्फ मार्कर दूसरा, तो सबसे पहले हम चार पे गए, उसके बाद छः पर, उसके बाद आठ पर। अब चार, छः, आठ तीनों कट जाएंगी, ये दो से कट जाएंगी, ये दो और दो, दो और तीन दोनों से कट जाएगी, ये दो से कटेगी, ये चार से भी कटेगी। इसके बाद कुछ बच्चे कह रहे होंगे आप दस लिखो, सर दस नहीं, दस से पहले नौ भी लिखा जाता है क्योंकि नौ भी भाज्य संख्या है, क्योंकि नौ भी तीन से कट जाती है। तो तीन तिया नौ होता है, तीन से कट जाएगी, दस कट जाएगी दो और पाँच से। फिर 11 किसी से नहीं कटेगी, 12 कटेगी, फिर 13 नहीं कटेगी, फिर 14 है, फिर उसके बाद 15 भी कटती है 3 और 5 से, फिर 16 भी कटती है, 17 नहीं कटती है, 18 कटती है। तो इस तरह से जो हमारी संख्याएं चलती चली आएंगी, जो संख्याएं किसी भी संख्या से पूर्णतः कट जाएं या विभाजित हो जाएं वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके विपरीत नेक्स्ट चलते हैं हम अभाज्य या कभी कभी हमें ये रूढ़ संख्याएं भी लिखा मिल जाता है,
तो अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो जैसे हमारी जो सम संख्याएं होती हैं वो विषम नहीं होती, और जो विषम होती हैं वो सम नहीं होती। इसी तरह से अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं होती हैं, जो भाज्य है वो अभाज्य नहीं है और जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं है। तो जो संख्याएं हमने भाज्य संख्याओं से छोड़ी हैं वो बाकी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याओं में आ जाएंगी। जैसे हम यहाँ स्टार्ट करते हैं दो से, दो हमारा किसी से नहीं कटता इसलिए ये दो हमारी अभाज्य संख्या हो गई। फिर तीन हमारी अभाज्य संख्या है, फिर पाँच है, सात है, आठ और नौ तो हम यहाँ लिख चुके हैं, दस भी लिख चुके हैं, फिर ग्यारह है किसी से नहीं कटती, फिर तेरह किसी से नहीं कटती, फिर हमारी चौदह पंद्रह सोलह कटती हैं तो सत्रह नहीं कटती, अठारह कटती है उन्नीस नहीं कटेगी। तो इस तरह से जो संख्या हमारी चलती चली जाएंगी जो किसी से ना कटे वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने सारी संख्याएं लिख दी, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बाकी सारी, लेकिन एक कहीं नहीं लिखा है। तो इसमें मैं नोट कराना चाहूँगा आपको कि एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या होती है, यानी कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं बेसिकली हम कह सकते हैं इसको कि जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में हो। अब इसका मतलब क्या है पी अपॉन क्यू का रूप? बच्चे कहेंगे पी अपॉन क्यू यहाँ पे कैसे आ गया सर, पी अपॉन क्यू का मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि जो संख्याएं, या हम लिख सकते हैं या जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर का रूप हो गया भिन्न का रूप, एक साधारण भिन्न के रूप में हो जिसमें एक अंश भी हो और एक हर भी हो। तो ऊपर नीचे लिखी हुई बटे में संख्याएं ये हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसमें एक कंडीशन है जहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, या कह सकते हैं हम हर बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी किसी भी संख्या के नीचे जीरो अगर यदि आता है तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या पर नहीं गिनी जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो आता है, फॉर एग्जाम्पल वन अपॉन ज़ीरो, टू अपॉन ज़ीरो, थ्री अपॉन ज़ीरो, तो ये संख्याएं ना तो परिमेय संख्याएं होती हैं और ना अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं आपकी इनफाइनाइट संख्या होती हैं, तो इनका कोई वैल्यू नहीं होती। मैं यहाँ पर एग्जांपल दे सकता हूँ इसका परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं जैसे दो बटे तीन हो गया, चार बटे पाँच हो गया, या सात बटे दो हो गया, पाँच बटे दो हुआ, ये इस तरह से ये संख्या हमारी सब परिमेय संख्या कहलाएंगी। एक और लिखूंगा मैं 22 बटे 7, ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है। अब एक चीज़ और है, सेवन्थ क्लास की अगर हम बात करूँ तो पहला ही क्वेश्चन उसमें ये है, इस तरह से संख्या लिखी हुई हैं दो तीन चार पाँच फॉर एग्जांपल, और इसमें कहा है कि इन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए और इस पर कोई प्रभाव भी ना पड़े। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये इस समय अकेली संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं दो तीन चार पाँच, ये अभी अकेली है, ये अभी हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम इनके हर में एक लगा दें, सबके हर में एक लगा दें,
तो ये हमारी क्या हो गई, अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो ये हमारी एक भिन्न के रूप में हो गई है, पी बटे क्यू के रूप में हो गई है, अंश बटे हर के रूप में हो गई है। तो अब हम इनको कह सकते हैं कि ये भी परिमेय संख्याएं हो गई हैं, और जबकि इन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि एक से दो को भाग देते हैं तो दो आ जाता है, एक से तीन को भाग देते हैं तीन ही आता है, एक से चार को देते हैं तो चार ही आता है। तो ये भी हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ये सेवन्थ क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला सवाल है। नेक्स्ट हमारी, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी आती है इसके विपरीत अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब हम इसमें कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन बेसिकली हमें पता कैसे चलता है, देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जो संख्याएं अशांत दशमलव में होती हैं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं, सॉरी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अशांत दशमलव में कैसे होती हैं, जैसे अगर मैं लूं यहां पर पाई, तो पाई एक साइन है मैथमेटिक्स का, इसका जो मान है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसका मान अगर हम कुछ निकालते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, इसका कोई अंत नहीं होता, यानी कि ये अशांत दशमलव में होती है, इसीलिए हम इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जबकि पाई का मान होता है जो हम यूज़ कर लेते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन इसका हम यूज़ कर लेते हैं 22/7, और पाई हमारी अपरिमेय संख्या है और इसका मान 22/7 वो हमारी परिमेय संख्या है। दोनों ही चीज़ अलग हैं, जबकि दोनों की वैल्यू एक है, मतलब एक है। तो ये हमारी पाई क्या हो गई है, अपरिमेय संख्या हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें अंडर रूट टू की बात करते हैं, तो दो का हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वो चलता रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जब इसका पूरा वर्गमूल नहीं आएगा तो इसीलिए हम इसको अशांत दशमलव बोलते हैं, और अशांत दशमलव की वजह से ही हम इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके अलावा √3 है, √3 का भी कोई हमारा पूरा वर्गमूल नहीं आता। अगर मैं बात करूँ √4 की, तो √4 का वर्गमूल होता है 2, पूरा वर्गमूल होता है, और 2 के नीचे हम लगा दें 1, तो ये संख्या बन जाती है हमारी परिमेय संख्या। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको √4 नहीं लिखेंगे, तो √4 हटा देंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे केवल √2, √3, और इसके अलावा लिख सकते हैं √5। तो ये इस तरह की जो संख्याएं होती हैं ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब एक नोट और लिखना था मुझे इसमें कि पाई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसी के आगे ये संख्या हम ख़त्म करने के बाद हम आए हैं मेनली परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर। तो इसके बाद जो सेवन्थ क्लास में है वो यही है कि परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, एट्थ क्लास में भी वही है, परिमेय संख्याओं को घटाना है, परिमेय संख्याओं की गुणा करनी है आपस में, और परिमेय संख्याओं की भाग करनी है। तो ये हम चीज़ आगे अपनी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।